हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, इन बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का सेशन आएंगे, जो कि काफी अच्छा सेशन होगा। यह सीटेड परीक्षा में आपकी काफी हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़अवस्था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक का आकर्षण जो होता है कि विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। तो अंशिता का जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? ए है यौन शिक्षा, बी है सुंदर विद्यालय भवन, सी है खेलकूद का मैदान, डी है बुद्धि परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो है जो कि खेलकूद का मैदान, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है और यहाँ पे एक लोकतांत्रिक एनवायरमेंट मिलता है बच्चे को, तो यहाँ से सीखने की ज्यादा से ज्यादा बच्चे को मिलता है। तो सबसे आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा खेलकूद का मैदान, आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु या कहा है? तो समूह की आयु किस अवस्था को कहा मनोवैज्ञानिक के द्वारा, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, यह अवस्था है बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में क्या है, समूह बना के ग्रुप बनाकर खेलता है। तो अंशिता करेक्ट हो जाएगा इसका गुणी हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही साथ में। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? ए है मॉन्टेसोरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि या उत्तम शिक्षण विधि क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, माउंटेसोरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि सबसे लिए शैशवावस्था के लिए उत्तम विधियां मानी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है? ए है थॉर्नडाइक, डी है पेवलोव, सी है पेस्टालजी, डी है वुडवर्थ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत किया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, यह जो प्रस्तुत किया गया है वो है पेस्टालजी के माध्यम से किया गया है। तो अंशिता करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है? ए शैशवावस्था, बी ए बाल्यावस्था, सी ए किशोरावस्था, डी ए प्रौढ़अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, किशोरावस्था को, माफ कीजिए, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, या बोल सकते हैं काफी मनोवैज्ञानिक ये भी कहा कि सबसे ज्यादा बच्चा जो बनता है या बनने के उसके करेक्टर शो हो जाते हैं वो हमारी शैशवावस्था में ही शो हो जाते हैं। एक कहावत भी चलती है, पूत के पाम पाव लेने में दिख जाते हैं। तो आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? ए है विकास क्रम का सिद्धांत, बी है विकास दिशा का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत, डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का है जो कि गामक और भाषा संबंधी विकास होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास
होता है। आंसर इसका करेक्ट रहेगा, इसका गुणी हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं है? ए आर्थिक स्थिति, बी है आयु एवं परिपक्वता, सी है पूर्व अनुभव, डी है अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन पूछा कि अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। यहां पर तीन ऑप्शन पॉजिटिव में दिए गए और एक ऑप्शन नेगेटिव में दिया गया, नहीं के अकॉर्डिंग वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं अधिगम में किस पर निर्भर नहीं होता है, वो है हमारा ए आर्थिक स्थिति, तो आंसर करेक्ट रहेगा ए हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्क्रिनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत, बी है अनुबंध क्रिया सिद्धांत, सी है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया या दिया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है जो कि आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है कहलाता है? ए यथार्थवादी चिंतन, बी है स्वालिनी चिंतन, सी है सृजनात्मक चिंतन, डी है अभिसारी चिंतन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कि ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, स्वालिनी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन का कहते हैं ए आंतरिक संभाषण, बी है आंतरिक वाद विवाद, सी है मानसिक द्वंद्व, डी है मानसिक मतभेद। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं मानसिक द्वंद्व, कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा माना गया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन है? ए क्लासिमियर एवं गुडविन का, बी है थॉमसन का, सी है क्रो व क्रो का, डी है फ्रेंडसन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो यह अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला कथन है, यह कथन हम पूछा गया है, तो यह कथन किसने दिया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, यह कथन थॉमसन जी के द्वारा दिया गया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है, ए बुद्धि परीक्षण तथा क्रम सूचक परिमाप, बी व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण, सी है निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा कि व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण तथा क्रम सूचक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण, ये परीक्षण व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण माने गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि या आईक्यू होती है,
ए है 120 से 130, बी है 130 से 140, सी है 140 से अधिक, डी है 120 से अधिक। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रयामी सिद्धांत का अन्य नाम है, ए प्रतिदर्शी सिद्धांत, बी एक तत्व सिद्धांत, सी त्रखंड सिद्धांत, डी बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोफेसर गिलफोर्ड की बुद्धि के त्रयांबी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत प्रोफेसर गिलफोर्ड की बुद्धि के त्रयांबी सिद्धांत का अन्य उपनाम है, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित है, ए 30 घंटे, बी है 36 घंटे, सी है 45 घंटे, डी है 48 घंटे। क्वेश्चन काफी अच्छा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य करने निर्धारित घंटे किए गए, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन के अनुसार जो शिक्षक द्वारा कार्य करने का प्रति सप्ताह का जो निर्धारित समय या घंटे निर्धारित किए गए हैं वो है 48 घंटे, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ए छात्रों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना, बी बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, सी व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, डी छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है और आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग में देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं और हम क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ स्टूडेंट काफी जल्दीबाजी कर जाते हैं और क्वेश्चन को पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्वेश्चन आते हुए भी। तो पहले क्वेश्चन को बेकर भी पढ़े समझे फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो जैसे कि अभी एक बार ऑप्शन और देखेंगे, छात्रों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना डी है, बी है माफ कीजिए, बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, सी है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, डी है छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना। तो देखो यहाँ पे डी दिया गया है कि छात्रों को कठोर दंड कार्य करवाना, तो यहाँ पे हमें एनसीएफ के खिलाफ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे करने चाहिए वो कार्य का, तो कुछ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना यह बच्चों के साथ करना चाहिए, मगर यहां पर पूछा नहीं करना चाहिए, तो यह हमारा पॉजिटिव में। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यह भी हमारा पॉजिटिव में। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, तो यह भी कार्य करना चाहिए जो कि पॉजिटिव में। ये तीनों पॉजिटिव में और क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, तो आंसर भी अभी नेगेटिव में देना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी सी तीनों में आंसर नहीं है, और आंसर जो दिया गया है वो हमारा छात्रों को कठोर दंड कार्य करवाना चाहिए जो कि नहीं करना चाहिए, यह क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगर क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट सेशन में आपका ये दोबारा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन से संबंधित कथन है,
ए है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी है छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, सी है शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित है, बी है उपरोक्त सभी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि मूल्यांकन से संबंधित कथन है, तो मूल्यांकन से संबंधित कथन पूछा गया क्वेश्चन में। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने वाले साधन है, छात्रों के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका कोडिंग हमारा डी उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन देखेंगे, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है, ए अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, बी अध्यापन समाप्ति पर, सी मूल्यांकन के समय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक माना जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की मन स्थिति का निर्माण करना लाभदायक माना जाएगा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका कोडिंग हमारा ए, ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो काफी उनकी हेल्प करे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है, ए प्रश्न पर प्रश्न पूछना, बी बीच बीच में छात्रों से पाठ्य विषय पर अपने विचार प्रकट करने को कहना, सी पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना और छात्रों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करना, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका कौन सा हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहां पे, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना, बीच बीच में छात्रों से पाठ्य विषय पर उनके अपने विचार प्रकट करना, और विषय वस्तु से संबंध व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना और छात्रों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करना। और तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसको भी हमारा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं, फ्लैंडर्स के अनुसार आप इस व्यवहार को क्या मानेंगे, ए आदेश देना, बी ए निर्देश देना, सी ए निवेदन करना, डी ए समझाइश करना, यह समझाइश करना यह कुछ कहा गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं, तो फ्लैंडर्स मनोविज्ञान के अनुसार इस व्यवहार को आप किस प्रकार से मानेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे निर्देश देना इस व्यवहार को मानेंगे, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रच्छा प्रतिमान में विद्यार्थी निम्नलिखित के अलावा शेष सभी कार्य करते हैं, ए शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहते हैं, बी शिक्षक से हां या ना में जवाब मिलने वाले प्रश्न पूछते हैं, सी ए प्रश्नों के रूप में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करते हैं, डी ए अपनी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, तो जैसे क्वेश्चन जो है कि प्रतीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी निम्न के अलावा शेष सभी कार्य करते हैं, मतलब यहाँ पे एक को छोड़कर बाकी सारे कार्य करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहते हैं, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए।
हेलो शो देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, समयों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि संभियों के तूफान एवं परेशानियों का काल विकास कौन सी अवस्था को माना जाता है? तो आंसर तक करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए किशोर अवस्था को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है? ए प्रतिभाशाली, बी ए जड़ बुद्धि बालक, सी ए औसत बालक, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है कि उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करती है प्रतिभाशाली उच्च बौद्धिक विकास के बालक से संबंधित है, तो आंसर तक करेक्ट होगा इसका हमारे यहां पे ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई छात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए? ए है नगण्य पुनर्वलन, बी है ऋणात्मक पुनर्वलन, सी है धनात्मक पुनर्वलन, डी है सक्रियात्मक पुनर्वलन। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि कोई छात्र है वह अच्छी तरह तब सीख सकता है जब उसे किस प्रकार का पुनर्वलन दिया जाए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो जैसे बात करती है सक्रियात्मक पुनर्वलन अगर किसी छात्र को दिया जाएगा तो वो छात्र अच्छी तरह से सीख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे छात्र खुद सेल्फ या स्वयं कार्य को करेगा और अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी सक्रियात्मक पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल है? ए माध्यमिक स्तर की शिक्षा, बी ए उच्च स्तर की शिक्षा, सी ए प्राइमरी स्तर की शिक्षा, डी ए उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण या जटिल मानी गई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं प्राइमरी स्तर की शिक्षा महत्वपूर्ण और जटिल मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों को शैशवावस्था में होती है और उन्हें सिखाने के लिए शिक्षक को यहाँ पे धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे हमें लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक माहौल देना होगा, इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, तब बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएगा और अपने विचार यहाँ पे रख पाएगा। तो आंसर करेक्ट होगा इसका यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ए है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, डी है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि हमें बात करते हैं औपचारिक सक्रिय अवस्था में 11 से 16 वर्ष से लेकर यहां पर बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका हमारे यहाँ पे सी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए खाली पुस्तक परीक्षा, बी है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी है सामयिक कार्य मूल्यांकन, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है या किस सुधार पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं खाली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन आदि पर सबसे ज्यादा
सुझाव दिया गया है तो आंसर क्या करेक्ट है इसका अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है ए नवीन ज्ञान की खोज, बी ए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी ए बाल विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, डी ए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहिए, तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका कौन हमारे यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर उसके बाद में ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के नीचे दिए गए क्वेश्चन देखते पहले। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंद के कौशल को विकसित कर लेता है किंतु यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन देखते हैं इसके, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन दिया गया विधायक, विधायत्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ए निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी ए शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो अपनी गेंद के कौशल को विकसित कर लेता है और यह किंतु यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा कि कोई खिलाड़ी है जो कि अपनी गेंदबाजी को तो अच्छी तरह से कर लेता है मगर उसका यह कौशल गेंदबाजी वाला बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे शून्य की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन देखें, शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसलिए बोला जा रहा है शून्य प्रशिक्षण क्योंकि यहां पे क्या एक कौशल दूसरे कौशल को क्या प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा यहां पे सी, टिक करेंगे यहां पे। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।